श्री सुखदेव गोस्वामी को, भले आप श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे इतने बड़े ज्ञानी नहीं हो, क्योंकि ये जन्म से ही जो मातृ गर्भ में तो 16 साल तक रहे, जब जन्म हुए वो ब्रह्म ज्ञानी बन करके सब छोड़ करके चले गए और ब्रह्म में डूबे हुए थे, परम ब्रह्म ज्ञानी परम विद्वान। लेकिन ये भागवत कथा में इतने आनंद, इसमें इतने रस है, जब इनकी कान में एक भागवत कथा, एक भागवत का श्लोक इनको कान में पड़ा ना, ये तो पागल हो गए। और उन्होंने सब कुछ छोड़ करके आए और उन्होंने पूरी भागवत कथा को सुनी। इसका तात्पर्य है, हम जितने बड़े ज्ञानी क्यों नहीं हो, भगवान की कथा में कभी अरुचि नहीं होनी चाहिए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले राम कथा जे सोना ता अघाई, राम कथा जे सोना ता अघाई, आ कृष्ण कथा जे सोना ता अघाई, कृष्ण कथा जे सोना ता कथा सुनते सुनते बोर हो गए, अरे सुनी सुनाई कथा को कितने बार सुनेंगे, तब श्री गोस्वामी जी कहते भैया भगवान की कथा में इतने आनंद, उसमें इतने रस है। इसलिए भगवान जब पृथ्वी महाराज को बोले हमसे वर मांगो, बोले प्रभु जी मेरे को 10,000 कान दो, बोले भैया दो कान तो बढ़िया लग रहा है, अगर यहाँ दो कान पूरा शरीर में कान ही कान हो जाएगा, थोड़ी अच्छी लगी, दो कान तो बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन तू कहते हो हमें 10,000 कान चाहिए, 10,000 कान से थोड़ी अच्छी लगेगी, बोले नहीं प्रभु जी कान तो दो ही है, लेकिन ये दोनों कान में कृष्ण कथा सुनने की इतनी भावना हो जैसे 10,000 कानों में कथा सुनने का जो शक्ति है, ये एक अर्थ है। दूसरी अर्थ है, जैसे यहाँ कथा हो रही है, भैया और भी कई कथा होती होगी, बोले जहाँ जहाँ ठाकुर जी की कथा हो मैं चाहता हूँ वहाँ वहाँ उतना रूप को लेकर के श्री हनुमान जी जैसे तीन रात प्रभु की कथा में ही मस्त रहते हैं, मैं भी तुम्हारी कथाएं सुन, जितने सुने ऐसे लगे सुनाई नहीं, और सुनते रहे और सुनते रहे। इसलिए कथा को कौन सुन सकते हैं, ज्ञानी से भी ज्ञानी और मूर्ख से भी मूर्ख, सभी के सभी ये कथा को सुनने का अधिकारी है। बोले ये भागवत कथा में विषय क्या है, कद भागवत कथा में कोई साधारण कथा नहीं, इसलिए इसका नाम है भागवतम। क्या नाम है, बोले श्रीमद भागवतम, इसमें चार अक्षर है। बोले भाग मतलब क्या है, देखो आज सुना मैं कल पूछूंगा, देखूंगा मेरे को कौन उत्तर दे पाता है, जो बोल देगा ना उसको इनाम दूंगा, ध्यान करके सुना। मैं कल बता रहा था ना श्रोता तीन का रहता और तीन मूर्ति बताए ना, एक मूर्ति का कीमत 100 रुपया और दूसरा मूर्ति का कीमत कितना था 500 रुपया और तीसरा मूर्ति का कीमत कितना था 5,000। इसलिए सब 5 बार जा करके श्रोता बना, ऐसे नहीं कथा सुने और यहीं पर छोड़ कर चले गए, नहीं कथा सुना अपना घर में जा करके भी बच्चों को पतियों को बहुओं को सबको कथा सुना, ठीक है ना। इसलिए इसमें चार अक्षर है भागवत, बोले भाग मतलब क्या है,
बोले भाति सर्वेशु लोकेशु, बोले का मतलब, बोले कियते नारदादि भी, बोले बोले वरिष्ठ सर्वशास्त्रेशु, बोले का बोले तरणी च भवार नवा। बोले मतलब क्या है, बोले भा भा मतलब है भाति सर्वेशु लोकेशु। आप ये मत समझो केवल हम कथा गड़ी में ही सुन रहे हैं, भारत में बोले नहीं, ये कथा स्वर्ग लोक में भी है, ये कथा ब्रह्म लोक में भी है, ये कथा कैलाश लोक में भी है, और ये कथा श्री वैकुंठ लोक में भी, गोलोक वृंदावन में भी ये कथा है, ये कथा सब जगह भी। कल सुन रहे थे ना, देवता लोग भी कथा सुनने आते हैं, ब्रह्मा भी आते हैं, शंकर भी आता है, और वैकुंठ से श्री गरुड़ जी भी और हनुमान जी भी ये कथा सुनने के लिए आते हैं। इसलिए भा मतलब होता है प्रकाश, जिसकी प्रकाश सारा दुनिया में, जिसकी प्रकाश हो इसका नाम है भा। बोले का मतलब क्या, बोले कियते नारदादि भी, कहते भागवत कथा को कौन गान करते हैं, ये कथा आया कैसे। बोले सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ये ब्रह्मा जी को ये चतुश्लोक दिए हैं, इसलिए भागवत का एक नाम है चतुश्लोकी। ये ठाकुर जी स्वयं ये भागवत को पहले ब्रह्मा जी को दिए, फिर ब्रह्मा जी कथा सुने, फिर उन्होंने किसको दिए, बोले नारद जी को दिए, फिर नारद जी कथा सुने, फिर उन्होंने किसको सुनाए, बोले श्री व्यास देव को, बोले व्यास देव किसको सुनाए, बोले सुखदेव को, बोले सुखदेव किसको सुनाए, बोले सौनकादि ऋषियों को, सुत गोस्वामी को। ऐसे करते करते कि जो भागवत है का मतलब होता है जिसको ब्रह्मा शंकर सुख नारद जिसको सबके सब गान करते हैं, इसलिए दूसरा अक्षर है गा। बोले बा मतलब क्या, बोले वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु, बोले जितने सारे शास्त्र को अगर हम मंथन करेंगे, सारे शास्त्र का तात्पर्य क्या है, बोले भागवत। इसलिए आगे हम सुनेंगे जब श्री व्यास देव सारी ग्रंथों को उन्होंने रचना की, वेद पुराण उपनिषद ब्रह्मसूत्र, मैंने शांति उनको नहीं, लेकिन जब उन्होंने ये भागवत ग्रंथ लिखी पूर्ण शांति। इसका मतलब सिख्या देते हैं व्यास देव, क्या सिख्या दी, जितने सारे ग्रंथों को व्यास देव ने लिखे वो सिख्या देते हैं, भैया मैं स्वयं लिखने वाला हूँ, लेकिन मेरे को तृप्त कब मिली, जब मैंने ये भागवत कथा को मैंने लिखी। अगर आप भी कथा को सुनोगे ना, मन में आपको भी शांति सुखी, आप भी कथा सुन करके आपको भी आनंद की सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए बोले वरिष्ठ सर्वशास्त्र सुख, बोले ता मतलब, बोले तरणी चमवार नवा। अगर ये भागवत कथा कोई श्रवण करेगा, बोले तरणी मतलब होता है नाव, नौका। हम कथा नहीं सुन रहे हैं, भगवान की कथा रूपी नाव में हम बैठे हैं। जो व्यक्ति ये कथा सुनेगा, कल सुन रहे थे ना, जब श्री गोकर्ण ने कथा सुनाई, जितने वहां बैठे हुए थे सभी के लिए एक एक रथ आया, कहते यहाँ तक भी वहां पर जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े थे, ये कथा की प्रभाव से सबको भगवत प्राप्ति हो गई, सबके सब ठाकुर जी के पास में चले गए। इसलिए बोले का मतलब होता है, ये संसार से जो भागवत कथा सुनने से जीव डर जाएंगे, इसलिए ये कथा को पापी से भी पापी, ज्ञानी से भी ज्ञानी, ये भागवत कथा को सबके साथ श्रवण कर सकते हैं। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की, बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की, जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। बोले इसमें विषय वस्तु क्या है,
बोले आराध्य भगवान ब्रजेश स्थल सद्धाम वृंदावनम रम्या काशी उपासना ब्रजवधू वर्गेन जा कल्पिता। बोले भागवत में जो विषय वस्तु है भगवान की प्यारी प्यारी कथा है, ठाकुर जी की कथा है और विशेष करके भगवान कृष्ण की कथा। हम चौथा दिन में सुनेंगे भगवान कृष्ण की कथा जिसमें, और भैया इसमें जो प्रेम की किसकी प्रेम की बात है इसमें, बोले ब्रजवासियों का प्रेम की। इसलिए से उद्धव जैसे व्यक्ति जब ब्रज में गए और ब्रजवासियों की प्रेम को देखा, सखाओं की प्रेम, नंद जसोदा की प्रेम, ब्रज गोपियों की प्रेम, जब श्री राधा रानी को प्रेम देखा, इसलिए कहते उद्धव शुद्ध नहीं गयो सुनी गोपियों की बोल और ज्ञान बजाए डुगडुगी बाजे प्रेम की ढोल। वहां पर देखा राधा जी की प्रेम को देख करके कहते उद्धव जैसे व्यक्ति भी वो सिद्धा हो गया, इसलिए उद्धव शुद्ध है गयो। और उद्धव जैसे व्यक्ति ने क्या प्रार्थना की, बोले मैं ब्रज में गुल्म लता औषध रूप में जन्म हो जाए। उन्होंने पहले क्या प्रार्थना की, मैंने यहाँ की घास बन जाए। बोले तू घास बनना क्यों चाहते हो, बोले गोपियाँ तो कभी चल करके कृष्ण को साथ में मिलने जाएंगे, अगर मैं घास बन करके रहूँगा ना जब गोपियाँ चलते चलते जाएगी उनके चरणों की धूल पड़ेगी, इसलिए घास बन जाओ। बोले वहाँ की लता पता बन जाओ। बोले लता पता क्यों बनना चाहते हो, बोले कृष्ण जब कुंजो कुंजों में लीला करेंगे अगर हम लता बन करके रहे पर क्या होगा, प्रभु की लीला दर्शन हो जाएगी। बोले वहाँ की औषध वृक्ष रूप में जन्म लो। बोले क्यों औषध वृक्ष क्यों बनना चाहते हो, बोले अगर कभी गोपियाँ बीमारी में पड़ेंगे दवा तो खाएंगे, अगर दवा खाएंगे तो उनके हृदय में मैं चला जाऊंगा। इसलिए उद्धव जैसे व्यक्ति ब्रज की चरण की एक धूल को वंदना करते हैं। इसलिए भागवत में ब्रज प्रेम और भगवान कृष्ण की बड़ी प्यारी प्यारी बड़ी मीठी मीठी कथा श्रीमद् भागवत ग्रंथ में। बोले भैया कथा सुने तो कहाँ से सुने, बोले जहाँ का नहीं सुननी चाहिए मना किया है। किससे सुननी चाहिए, बोले वैष्णव से सुननी चाहिए, भक्तों से जो सचमुच से भगवान की भजन करते हैं, हैं भगवान की जो भक्ति करते हैं। कहते ये वैष्णव से कथा सुननी चाहिए, बोले क्यों जहाँ का सुनने से क्या नुकसान किया है। एक उदाहरण दिया, जैसे आप लोग ने दूध पिया हो, कौन कौन जिंदगी में दूध पिया, हाथ उठाओ तो दूध पिए वाले। कहते दूध पीने से क्या होता है, बोले खुदा की वृद्धि होगा, शरीर में ताकत आएगी, हृष्ट पृष्ट होगी। लेकिन वही दूध को अगर सांप ने मुंह मार दिया फिर वो दूध पीने से क्या होगा बताओ, बोलो क्या होगा, फिर मृत्यु का कारण बनेगी। उसी तरह जो भगवान की जो कथा है वो अमृत है, वो अमृत है। लेकिन अगर कोई वैष्णव नहीं हो, अगर कोई भक्त नहीं हो, अगर कोई बिजनेस के लिए कोई कथा करता है ना भैया, उनसे अगर कथा सुनोगे तो कथा नहीं। जैसे दूध में सांप जैसे मुंह मारने पर क्या होगा, वो दूध जहर बन गया, अगर उसको पियोगे तो मृत्यु का कारण बनेगा। उसी तरह जो कथा करते हैं उनके हृदय में जो भावना है ना, वो सुनने वाला का हृदय में तो वही आएगा ना। अगर जो कथा कर रहे हैं इनके हृदय में भावना ही नहीं, भक्ति की भावना नहीं, अगर वो बिजनेस के लिए अपना घर गृहस्थी को पालने के लिए अगर कथा करेगा, अभी उसकी हृदय में जो भावना सुनने वाला का हृदय में भी वही आएगा। इसलिए कथा किससे सुननी चाहिए, बोले भक्तों से सुननी चाहिए, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति की भावना, प्रेम की भावना और भगवान की जो भजन में लगाना चाहते हैं, हमें धीरे धीरे प्रभु की भक्ति में जो लगाना चाहते हैं, अगर उनसे कथा सुनेंगे तो हमारे हृदय में भक्ति की भावना आएगी,
नहीं तो हमारे हृदय में भक्ति की भावना नहीं आएगी। जैसे समुद्र मंथन से विष भी निकला और वहां अमृत भी निकला, इसलिए ये भागवत से ये विष भी निकलता है और भागवत से अमृत भी निकलता है। इसलिए अगर भक्तों से सुनेंगे अरे हमें भगवान की प्रेम की प्राप्ति होगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक भजन सुन लो प्रभु जी से, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। कि वृंदावन मकरंद रसी करत रसपान, प्यारी दुल्हा श्याम रहे। हमने तो किया नहीं, हाथ उठाऊंगा तो पाप आ गया। अरे मोहन से प्रेम किया तभी तो यहाँ आए, नहीं करते तो नहीं आते। क्या यहाँ घड़ी में इतने लोग, इससे बहुत ज्यादा, लेकिन प्रेम कम है इसलिए आए नहीं। तो आइए मोहन से जो जो प्रेम किया है Oh, 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 oh,
जब राम जी ने कुंभकर्ण को मार करके आए
तो निद्रा देवी को पंद्रह की पत्नी का नाम है निद्रा देवी। निद्रा देवी होली देखो आपके गोदाम में ताला नहीं लग रहा है तो मेरा नाम निद्रा देवी नहीं। तो राम जी ने कहा क्या ताला लगवाओगे देवी? बोले ऐसा है आपकी कथा में आपके कीर्तन में जो लोग बैठेंगे उनके सर पे जाके मैं बैठ जाऊंगा और कोई कथा नहीं सुनेंगे कोई कीर्तन नहीं करेंगे तो बैगुल तो थोड़ी जाएगा। तो राम जी ने कहा कोई बात नहीं हम 10 मिनट 15 मिनट अंदर अंदर कीर्तन करा दिया करेंगे तो भागना पड़ेगा। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि पीछे सब ऐसे ही बैठे हैं ना ताली बजा रहे हैं ना बोल रहे हैं तो आने का जो लाभ उठाना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो सभी लोग एक बार ताली बजा कर प्रेम से बोलेंगे सबके हाथ उठाए नींद ना आ जाए सभी लोग ताली बजा कर बोलेंगे क्या राधे 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 धुनी लगाए सभी लोग ताली बजा कर इसका शिक्षा देते हैं अगर जीवन में कृष्ण भजन नहीं किया ये जीवन धारण करना नहीं करना बराबर है। इसलिए मैया को भी संसार त्याग दिया। जब पांडवों ने देखा भैया मैया भी चली गई कृष्ण भी चले गए फिर हम क्यों रहे ये पांडव भी दुनिया छोड़कर चले गए। जाने से पहले हस्तिनापुर का राजा श्री परीक्षित को वृंदावन का राजा श्री बज्रनाम को बनाया। एक दिन श्री परीक्षित महाराज वृंदावन में बज्रनाम से मिलने के लिए गए। ये कृष्ण का पौपुत्र है। बोले बज्रनाम सब कुशल मंगल है ना? बोले सब कुशल मंगल तो है लेकिन ये मन बड़ा उदास है। बोले क्यों? बोले वृंदावन में कोई है ही नहीं। जैसे भगवान राम जब ये दुनिया से गए पूरा अयोध्या वासियों को लेकर गए केवल एक हनुमान को छोड़कर गए उसी तरह जब कृष्ण गए सबको लेकर गए गोप गोपी बछड़े गैया कहते यहाँ तक भी वहाँ के जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े थे सबको लेकर के ठाकुर जी चले गए लेकिन केवल वहाँ पर श्री बज्रनाम को वहाँ पर राजा बना कर गए थे। बोले कोई है ही नहीं यहाँ पर इसलिए मेरा मन था बड़ा उदास है। लेकिन परीक्षित महाराज को पता है कृष्ण तो एक स्वरूप में गए और दूसरे स्वरूप में है लेकिन ये रहस्य किसको पता? बोले सांड मिल
बोले सांडिल्य कौन है? बोले नंद बाबा की पुरोहित है, ये त्रिकाल दृष्टा ऋषि है। तब उन्होंने सांडिल्य ऋषि को बुलाए, बोले सांडिल्य जी आप थोड़ी सी कृपा करके ये वृंदावन की थोड़ा कथा सुनाओ। तब सांडिल्य जी ने कहा देखो भगवान की लीला दो तरह का है, एक तो उनकी साधारण से लीला जैसे कृष्ण आए और गए, लेकिन और एक उनकी विशेष लीला। बोले विशेष जो लीला है अभी भी कृष्ण कहीं गए नहीं, कृष्ण खुद कहते हैं मैं वृंदावन छोड़ करके एक पग भी कहीं जाता ही नहीं, ये वृंदावन तो मेरा घर है, फिर वृंदावन छोड़ कर मैं कहां जाऊंगा, इसलिए अभी भी कृष्ण परिपूर्ण रूप में वृंदावन में है। बोले हमें दिखता नहीं क्यों है, वृंदावन कौन कौन गए हो? सबके सब गए, लेकिन कृष्ण का दर्शन मिला तुम्हारे? कृष्ण दर्शन मिले नहीं। बोले फिर हमें क्यों दर्शन नहीं मिलता है? बोले कारण है हमारी आंखों को सामने एक माया की पर्दा लगा हुआ है और हमारी आंखों में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है, लेकिन जब ये सारे चीज हटा करके ब्रह्मा जी कहते हैं इन्हीं आंखों में जब कृष्ण की प्रेम रूपी काजल अंजन लगाएंगे फिर देखोगे कृष्ण सब जगह, कृष्ण सब जगह में कृष्ण ही कृष्ण ही कृष्ण ही कृष्ण है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए साधन भजन करना पड़ेगा, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु का भक्तों ने साधन भजन किया है, इसलिए कृष्ण का दर्शन उनको मिला। इसलिए महाप्रभु के एक भक्त थे जिनका नाम था श्री माधवेंद्रपुरी, जब उन्होंने श्री वृंदावन में जब गिरिराज में प्रवेश परिक्रमा कर रहे थे एक समय बड़े भूखे में एक पेड़ को नीचे बैठे हुए थे, कृष्ण स्वयं एक पात्र में दूध लेकर के आए, बोले बाबा बाबा लो ये दूध को पी लो तू भूखे हो। वो बाबा ने पूछा भैया तेरे को कैसे पता चला मैं भूखा हूँ? बोले यहाँ पर कुछ गोपियां कुएं में पानी भरने आई थी और तुम्हें यहाँ पर देखा तू अकेले बैठे करके हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, तुम्हें देखा और हमारे हाथ में दूध को भेज दिया। बोले बाबा को पिला करके आ गया। वो दूध कौन था? वो कृष्ण स्वयं थे, उन्होंने के ग्वाल का रूप धारण करके आए थे। बोले बाबा ये दूध को पीकर मटकी यहीं पर रख लेना, मैं जा रहा हूँ गैया चराने के लिए, जब वापस जाऊंगा ना ये मटकी में ले जाऊंगा। लेकिन वो दूध तो भगवान कृष्ण स्वयं लाए, जीवन में तो बहुत दूध पिए लेकिन जब इन्होंने यह दूध को पिए उनके रोम रोम खिल उठा, इतने स्वादिष्ट इतने मीठा था उसमें, उनका एकदम रोम रोम खिल उठा। जब थोड़ी सी उनकी झपकी आई ना तो फिर कृष्ण आ गए, स्वप्न में भगवान कृष्ण फिर आ गए। बोले बाबा बाबा मैं तुम्हारे गांव का ठाकुर हूँ, मेरे को बज्रनाभ ने स्थापना की थी, लेकिन एक समय मुसलमान की आक्रमण हुई, आक्रमण होने पर मेरे जो सेवक मेरे को ये जंगल में छोड़ करके चले गए, आओ मेरे को निकाला, उनको ले गए ये जंगल में यहीं पर पड़ा हुआ। फिर उन्होंने ठाकुर जी को पुनः उन्होंने स्थापन किया, ठाकुर जी को स्थापन किया। इसलिए हमारे संप्रदाय में श्री सनातन गोस्वामी इनका नित्य नियम था गोवर्धन परिक्रमा करना, रहते थे वृंदावन में और उसी समय चलते चलते वृंदावन में गोवर्धन में आते थे, रोज उनकी नियम है ये गिरिराज बाबा की परिक्रमा लगाना। जब वृद्ध हो गए और जेठ की महीना चिलचिला धूप, इतने में थक करके एक वृक्ष को नीचे सो गए तो इतने में कृष्ण और बलराम स्वयं आए, स्वयं बलदेव प्रभु अपना चुंदरी से उनका छाया कर रहे थे और कृष्ण इनके सर को लेकर के जंघे के ऊपर में रखे हुए थे। जब इनकी होश आई कृष्ण ने कहा बाबा तुम वृद्ध हो गए हो, जिंदगी भर तुमने गोवर्धन परिक्रमा ली करी की, अरे अभी तो विश्राम करो वृंदावन में, जरूरत नहीं परिक्रमा लगाने का। बोले बाबा जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मैं परिक्रमा कभी नहीं छोड़ूंगा। कृष्ण ने कहा कोई चिंता मत करो, मैं तेरे को गिरिराज सिला देता हूँ,
अगर इसको चार बार परिक्रमा करोगे ना, परिक्रमा करने का फल मिल जाएगा। भगवान ने बड़ी मीठी मीठी बंसुरी बजाई, बंसुरी बजाए तो गिरिराज एकदम पिघल गया, पिघल गया तो उसमें कृष्ण अपना चरण की छाप रख करके अपना लकुटी, गैया चरण का जो लकुटी और बंसुरी और कृष्ण का चरण चिन्ह, गैया का खुर का चिन्ह दे करके बोले इसका चार बार परिक्रमा करोगे ना तुमको गिरिराज परिक्रमा करने का फल मिल जाएगा। इसको वृंदावन रख करके परिक्रमा करते रहे तो बाबा उसको परिक्रमा करते रहे। इसलिए अगर अभी भी कोई वृंदावन में ऐसे संत जो भजन करते हैं, अभी भी ठाकुर जी उनको दर्शन देते हैं, ठाकुर उनको दर्शन देते हैं। हमारी संप्रदाय में तो इतने प्रमाण हैं, ऐसे कोई संत नहीं थे जिनको ठाकुर जी दर्शन नहीं दिए। ठाकुर जी सबको दर्शन देते हैं, लेकिन अभी हमारा आंखों में काम क्रोध रूपी आंजन लगा कर रखे। बोले भैया मेरे ठाकुर का दर्शन कैसे होगा? बोले होगा, एक काम करो, कृष्ण तो चले गए, उनकी जो लीला भूमि धीरे 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 खत्म होते जा रहा है, अंतर ध्यान होते जा रहे हैं। कहाँ कृष्ण गैया चराए, कहाँ कृष्ण रास रचाए, कृष्ण कहाँ गिरिराज उठाए, कहाँ राधा रानी मान की, कहाँ पर कृष्ण ने मक्खन चोरी की, सब धीरे 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 लुप्त तो होते जा रहे हैं। तुम ये लीला स्थलियों को निकाल उधार करो और भगवान की सुंदर सुंदर मूर्तियों को स्थापित करो, कहीं एक कुआ खोदवा दो, कहीं एक तालाब स्थापन करो, कहीं ठाकुर जी की चरण चिन्ह रख लो और उसी के अनुरूप तुम सब स्थान का नाम रख लो। आ देखो एक कथा सुनाता हूँ, एक स्थान का नाम आज नव, देखो ये अभी भी ये प्रमाणित है। एक समय कन्हैया ने मीठी मीठी बंसुरी बजाई, गोपियां राधा रानी को श्रृंगार कर रही थी और राधा रानी बंसी ध्वनि सुनते ही तो बावरी बन गई और भागते 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 गई। कृष्ण ने देखा राधा रानी के सारे श्रृंगार है लेकिन अभी एक श्रृंगार बाकी। बोले कौन सा? बोले आंखों में अभी आंजन काजल नहीं लगाया। कृष्ण राधा रानी को एक पत्थर के ऊपर बैठा करके अपना हाथों से राधा रानी की आंखों में उन्होंने आंजन काजल लगाई, लगा करके जिस पत्थर के ऊपर में बैठे हुए थे उसमें उन्होंने अपना अंगुल को उसमें उन्होंने घिस दिया। तो अभी भी आप जाओगे ना, अभी भी वो पत्थर को अगर रगड़ोगे देखोगे अभी भी उससे काजल का रंग निकलता है। इसलिए उसका नाम पड़ दिया आज नव उसका स्थान। देखो कौन कौन गए देखे वो पत्थर को, हाथ उठा तो कौन कौन वो पत्थर देखे, अभी भी जिसमें रगड़ना उसमें काजल आंजन निकलती है। देखे हो कौन कौन देखे हो? ये लोग गई ना ब्रजमंडल परिक्रमा से देखे। आप बताओ कौन जाना चाहते हो, देखना चाहते हो? देखो हमारे जो बुजुर्ग जो समाज है ना, माताएं ये अक्सर अगर घर से ज्यादा नहीं निकलते, घर के काम धाम करते हैं, लेकिन कम से कम देखो हम लोग भारत में जन्म हुए। कहाँ पर जन्म हुए? भारत में। ये भारत भूमि इतने पुण्य भूमि है, भागवत में बताया स्वर्ग के देवता लोग भी ये भारत में मानव जन्म लेना चाहते हैं। भारत में विदेश में नहीं, अमेरिका लंदन फ्रांस में नहीं, भारत में है। बोले कौन सा घर में? बोले हिंदू घर में। कहा? हिंदू सनातन घर में। फिर गुजर घर में जन्म लेना तो बड़ी भाग्य की बात है, गुजर घर में जन्म लेना तो बड़ी भाग्य की बात है जो गुजर घर में जन्म ले। इतने भाग्य से हमने ठाकुर जी गुजर घर में जन्म दिया, और इसलिए कम से कम ये भारत में जन्म दिया, कम से कम सारे तीर्थ तो एक बार जानी चाहिए ना, एक बार जानी चाहिए। अब देखो अगर सारे तीर्थ घूमना तो बड़ा बहुत कठिन है, बहुत सारे तीर्थ है, लेकिन ये ब्रज मंडल ऐसे एक स्थान है, ये 84 करोड़ पृथ्वी का सारे तीर्थ ये ब्रज मंडल में राधा कृष्ण की कृपा पाने के लिए सारे तीर्थ वृंदावन में आए। अगर कोई जीवन में 84 ब्रजमंडल परिक्रमा एक बार कर ले उसको विश्व ब्रह्मांड के सारे तीर्थ परिक्रमा करने का फल मिल जाता है, इतने महिमा। आप लोग चलोगे? लेकिन इसको अगर पैदल में अगर परिक्रमा करोगे ना
डेढ़ महीना लगती है, अगर बस में हम लोग करते हैं एक महीना, लेकिन हम लोग ने और एक नियम निकाले, 7 दिन के अंदर में पूरा ये 84 क्रोस परिक्रमा हो जाए, केवल 7 दिन में, लेकिन उसमें गाड़ी में करना पड़ेगा, पैदल नहीं गाड़ी में, कोई कष्ट नहीं, गाड़ी में जाओगे उतरोगे प्रणाम करोगे कथा सुनोगे फिर गाड़ी में बैठना, उसमें कोई कष्ट नहीं। हम एक ये कर रहे हैं 7 दिन के अंदर में परिक्रमा पूरा 84 क्रोस का परिक्रमा कराएंगे। अब बताओ कौन कौन जाओगे? वाह भाई बुजुर्ग लोग तो बड़े अच्छे आदमी, बड़े अच्छे भगत है, ठीक है अब सबको हम ले जाएंगे, केवल 7 दिन के अंदर में, केवल आप नहीं जाना पतियों को साथ में जाना, ठीक है ना, हाँ दोनों पति पत्नी हाँ दोनों मिल करके जाओगे ना पूरा ज्यादा फल मिलेगा, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए कद भगवान कद उनको वज्रनाथ का आदेश दिया, अभी वृंदावन में जो जो लीला स्थली आप देख रहे हो ये वज्रनाभ का ही कृपा, अगर ये नहीं होते हमें पता ही नहीं चलता प्रभु कहाँ कहाँ कब्र किया लीला की। इन्होंने बहुत सारे ठाकुर जी को स्थापन किया, लेकिन ध्यान से देखते हो उसमें उन्होंने 3 गोपालों का स्थापन किया, एक साखी गोपाल और एक मदन गोपाल, हाँ और एक श्रीनाथ जी में गोपाल, उन्होंने 3 गोपाल जी को स्थापन किया। ध्यान देकर सुना, एक कथा सुनाता हूँ मन लगा करके सुना। बोले एक समय दो ब्राह्मण तीर्थ करने के लिए निकले, एक वृद्ध ब्राह्मण और एक जवान। अभी जवान ब्राह्मण ने वृद्ध ब्राह्मण को बड़ी सेवा की, लेकर के सारे तीर्थ में गए, भ्रमण करते करते वृंदावन जहाँ पर रंग जी मंदिर उसको सामने श्री गोपाल जी का मंदिर था, रात को वहीं पर रुके। जो वृद्ध ब्राह्मण ने इतने खुश हो गया, छोटे ब्राह्मणों को पर भैया तू नहीं होता है ना ये तीर्थ में कभी नहीं कर सकता था, तेरी कृपा से भी ये सारे तीर्थ की, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं जब घर में वापस जाऊंगा मेरी एक प्यारी एक लड़की है, ये लड़की को तेरे साथ में मैं शादी दूंगा। छोटा ब्राह्मण ने कहा देखो ब्राह्मण जी मैंने आपकी बेटी से शादी करने के लिए आपको तीर्थ नहीं घुमाया, आप मेरे पिताजी की बराबर पिता मान करके आपको मैंने घुमाया है, बेटी से शादी करने के लिए नहीं। और दूसरी बात सुना, यद्यपि हम दोनों ब्राह्मण तो है लेकिन आप उच्च जाति के ब्राह्मण में छोटे जाति का ब्राह्मण, इसको जो समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा। बड़ा ब्राह्मण जोश में आकर के बोले बेटी मेरी है, अरे मैं शादी दूंगा और कौन क्या बोल सकता है। बोले अगर घर में जाकर मुकर गए तो, बोले चिंता क्यों करते हो, देखो ये जो गोपाल जी है ना इनको मैं साखी करके कह रहा हूँ, ये गोपाल मेरे तेरे साखी है। दोनों वापस आए, बड़ा ब्राह्मण परिवार को बुला करके सारे बात बताए और उसका परिवार तो बिगड़ गए उसके ऊपर में। बोला आपको पता नहीं हम उच्च जाति के ब्राह्मण हैं, वो छोटे जाति का ब्राह्मण, हमें समाज क्या बोलेगा, हमें पहले तो लव मैरिज होता नहीं था, अपनी अब जो इच्छा कर ली है इसलिए समाज हमें क्या बोलेगा। बोले मैंने जो ठाकुर को सामने प्रतिज्ञा की, बोले ठाकुर पत्थर है, ठाकुर थोड़ी साखी देने को तो पत्थर है, वो क्या साखी देंगे। बोले नहीं मैं तो ठाकुर जी को मानता, बोले चिंता मत करो अगर वो व्यक्ति आए ना आप इतनी सी बात बता देना, मैंने क्या बताया नहीं बताया मैं भूल गया, पास फिर हम सारे बात कर लेंगे। इतने में छोटा ब्राह्मण आया बड़े ब्राह्मण के पास में, बोले आपने बताया था बेटी को शादी दोगे चुपके से हो गए, इतने में उसने इतनी सी बात बता दी मेरा याद नहीं मैंने क्या कहा था नहीं कहा था, इतने में उसको जितने बच्चे थे ना डंडे लेकर के, बोले दुष्ट मेरे पिताजी के पास में बहुत सारा पैसा था, तुमने धतुरा लेकर के सारे पैसा ले लिया, फिर हमारी बेटी से हमारी बहन से शादी करना चाहते हो डंडे लेकर मारने दो, वो भाग गया। लेकिन उसने फिर ग्राम पंचायत को बुलाया, ग्राम पंचायत ने कहा कोई साथी किया है, बोले हाँ गोपाल जी की मंदिर में इन्होंने ठाकुर जी को साखी किया था, उनको बच्चों ने कहा जा जा तू ठाकुर को बुला करके ले आ फिर शादी करना, लेकिन उसको पूर्ण विश्वास था ठाकुर जरूर आएंगे। इतने में आया वृंदावन से, बोले कहाँ से, बोले जगन्नाथपुर से। वृंदावन आए
गोपाल जी के मंदिर में पहुंचे, बोले गोपाल जी आपको सामने वो वृद्ध ब्राह्मण ने प्रतिज्ञा की थी, साकी की थी, अभी जाकर के मुकर गया। वो कहता है मैंने क्या कहा नहीं क्या भूल गया हूँ, अभी मेरे को शादी नहीं दे रहे हैं, आपसे उन्होंने साकी किया था, चलना पड़ेगा। देखो पहले लोगों का कितने विश्वास होता था, विश्वास कितना होता था, उसको विश्वास था ठाकुर आएंगे। बोले आपको जाना पड़ेगा, देखो ठाकुर जी बोल पड़े। बोले तुमने कभी सुने हो ठाकुर जी चलते हैं? बोले अगर चलते नहीं ठाकुर बोलते कैसे, तुम फिर बात कैसे कर रहे हो, इसलिए तुम्हें जाना पड़ेगा। बोले ठीक है मैं चलूंगा, एक काम करो मेरे को 1 किलो चावल का खिचड़ी बनाओ और मेरे को खिलाओ, चल चल कर जाना पड़ेगा ना। उनने 1 किलो चावल का खिचड़ी बनवाए, ठाकुर जी सब खा ली, सारी खिचड़ी खा ली ठाकुर जी। बोले देख एक काम करियो, तेरे पीछे 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 मैं चलूंगा, लेकिन तुम मोड़ करके देखना नहीं, अगर मोड़ करके देखूंगा तो मैं खड़े हो जाऊंगा। बोले मेरे को पता कैसे चलेगा आप आ रहे हो? बोले मेरे प्यार में नुपुर बांध दो, नुपुर का छमछम छमछम आवाज निकलेगा, इससे तेरे को पता चल जाएगा जब मैं तुम्हारे पीछे 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 चल रहा हूँ। अभी उन्हें चलते चलते कटक तक आए, जगन्नाथपुरी गए हो, कोई तो गए नहीं, आप सबका हम ले जाएंगे, हाँ कुछ कुछ माताएं गई, ये कटक तक आ गए। ठीक जगन्नाथपुरी से शाम थोड़ी दूर आ गई और वहाँ पर नदी थी, अभी उनकी प्यार धसना शुरू हो गया ठाकुर जी की। अभी नुपुर की जो छमछम छमछम आवाज आ रही थी वो आवाज अभी छुप गई। बोले भैया अभी तक तो आवाज आ रही थी, अभी आवाज बंद हो गई, अगर मैं वहां जाकर के देखूंगा ठाकुर जी नहीं फिर दुनिया को मुंह क्या दिखाऊंगा। बोले पास में तो आ ही गया, अगर एक बार मोड़ करके देख लेता हूँ, अगर ठाकुर जी रुक जाएंगे ना सबको मैं बुला लाऊंगा। ऐसे मोड़ करके देखे तो ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बंसरी बजाते बजाते खड़े हो गए। बोले बेटा और मैं नहीं चलूंगा, जाओ उनको बुला लो। अभी जब सुने ठाकुर जी वृंदावन से चल चल करके आए, सारा दुनिया के लोग उमड़ पड़े ठाकुर जी को देखने के लिए, राजा रानी भी वहां पर आए। जब राजा रानी आए ठाकुर जी सबको सामने साखी दिया, बोले हाँ ये वृद्ध ब्राह्मण मेरे को साखी दिला करके कहा था बेटी देने के लिए, लेकिन ये परिवार के दबाव में आकर के मुकर गया है, लेकिन सही बात साखी दिया था। सबको सामने ठाकुर जी बोले, इसलिए कहते हैं ना कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबर के जैसे तुम खिलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, बोले ब्रज गोपियां जैसे तुम नचाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, बोले मैया जसोदा जैसे तुम सुलाते हैं। ठाकुर जी सब कुछ करते हैं, ठाकुर जी सब कुछ करते हैं, इसलिए उन्होंने साखी दिया। इसलिए वो ठीक जगन्नाथपुरी से पहले जो स्टेशन है वो ठाकुर जी का नाम पर साखी गोपाल है, उसका नाम ही साखी गोपाल, बहुत बड़े ठाकुर जी। साखी देने के लिए यहां से गए, अभी रानी जो आई थी राजा को साथ में, रानी की पास में एक हीरे की बेसर थी। रानी मन मन में सोच रही थी, रानी बड़े भक्त, पहले जो राजा रानी होते थे ना वो नास्तिक नहीं होते थे, बड़े ठाकुर का भक्त होते थे। रानी की मन मन में भावना हुई मेरे पास में हीरे की एक बेसर है, अगर ठाकुर जी के नाक में छेद होता है ना मैं ये बेसर पहना लेती। वो ये मन मन में सोच करके चली गई। जब वो सो गई इतने में ठाकुर जी सपने में आए, बोले रानी तुम्हारी मन में इच्छा मेरे नाक में बेसर पहनाने के लिए? बोले हाँ। बोले मैं जब बच्चा था ना मेरी मैया जसोदा ने मेरे नाक में एक छेद बना करके रखी, अभी वो छेद है लेकिन धूल से जम गई, उसको हटाना, रेती को हटाना, देखोगे छेद है। रानी की युद्ध खुल गई, बोले महाराज मैं तो ये सोच करके आ गया, ठाकुर जी मेरे लिए स्वप्न किए, अभी भी उनके नाक में छेद है। बोले चलो बेसर लेकर के, जब आयना सचमुच से देखा ठाकुर जी के नाक में छेद है, रानी ने फिर उनको बेसर पहना, रानी ने नाक में बेसर पहनाई। अभी ठाकुर जी पहले उनको राधा रानी नहीं थी, कृष्ण अकेले थे,
अभी राधा रानी के बगैर कृष्ण को मन कहाँ लगे, लगे ही नहीं, कृष्ण अकेले खड़े हुए। अभी कृष्ण चाहते हैं मेरी राधा रानी भी मेरे पास में आ जाए, अकेले राधा के बगैर कृष्ण आधा है। अभी राधा रानी जो पुजारी की बेटी बन करके राधा रानी उनके अंश में जन्म हुए, जब अंश में जन्म हुई, लेकिन ये बात किसको पता नहीं, वो बचपन में ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर माला बना करके अपनी गला में पहना लेती थी, शीशा को सामने खड़ी हो जाती थी, ये माला बढ़िया बना के नहीं, और गले में पहन करके शीशा को सामने खड़ी हो जाती थी, और जब देखती थी माला बहुत सुंदर है, फिर वो माला को क्या करती, ठाकुर जी के लिए भेज देती थी। ऐसे करते करते लड़की जब बड़ी हो गई, सियानिया हो गई, शादी के लायक, अभी ठाकुर जी को तो मंदिर में सुलाते हैं, लेकिन ठाकुर जी मंदिर में नहीं सोते और रात में आकर के पुजारी की बेटी के साथ में सोते। एक दिन क्या हुआ, अभी ठाकुर जी की गहिया नींद में सो गए, जब सो गए सवेरे देखना, देखो ये चीज को समझो, नियम है ठाकुर जी की जब पट खोलो ऐसे नहीं झटपट खोल दो, नहीं, ये चीज को समझो, जब ठाकुर जी की दरवाजा खोलो पट खोलो पहले ताली बजाओ, नहीं तो कोई घंटी बजाओ, बोले क्यों, पता नहीं ठाकुर जी अभी क्या कर रहे हैं अंदर में। इतने में जो पुजारी थी मंदिर में, उन्होंने घंटी बजाई, ठाकुर को दरवाजा खुलेगा, जब बजाए कृष्ण तो अंदर में है ही नहीं, कृष्ण तो उसकी बेटी के पास में सोए हुए। अभी कृष्ण की नींद खुल गई, नींद खुल गई तो बोले भैया मैं तो मंदिर में है नहीं, ये तो मैं यहाँ सो रहा हूँ। इतने में कृष्ण जल्दी से भागे, लेकिन एक भागते समय अपना जो सोने की बंसुरी बेटी को पास में छोड़ दिया, वो बेटी को पास में, जो पुजारी दरवाजा खोले देखा ठाकुर जी के हाथ में सोने की बंसी नहीं, उसने हल्ला मचा दी, ठाकुर जी की सोने की बंसी चोरी हो गई, राजा सीआईडी लगा दिए, सीआईडी लगा करके देखा ये सोने की बंसुरी उसकी बेटी को घर में मिली, राजा बोले दुष्ट तुमने सोने की बंसुरी चोरी करके हल्ला मचा दी, चोरी हो गई, जेल में बंद कर इसको। अब उसको जेल में बंद कर दिया, ठाकुर जी ने देखा मेरे ससुर साहेब तो जेल में चले गए, बंसुरी तो मैंने रखा और मेरे ससुर जी चले गए जेल। इतने में फिर ठाकुर जी स्वप्न दिया राजा को, बोले महाराज आप मेरे को अकेले खड़े कर दिए हो, मेरा मन राधा जी के बगैर लगता नहीं, इसलिए मेरी राधा वो पुजारी की बेटी बन करके आई, मेरे को तो पुजारी मंदिर में सुलाता लेकिन रोज उसको बेटी को पास में मैं जा करके सोता हूँ, और मेरी गहरा नींद लग गया था, जब पुजारी दरवाजा खोले इतने जल्दी से मैं आया तो सोने की बंसुरी वहीं पर छोड़ दिया, इसलिए उनकी जो बेटी है ना वो मेरी राधा जी की अंश से जन्म हुई, जिनको बंद किया वो मेरे ससुर साहेब है, अभी उनको खोल दो और मेरे जितने गहना हैं सब को लेकर के वो बेटी को दुल्हन सजाओ और पालके में बैठाओ और गाजा बाजा को साथ में ले आओ और मेरे साथ में शादी कराओ। अभी राजा तो स्वप्न पा करके बोले भैया ठाकुर जी को ससुर को हमने बंद कर दिया जेल में, चलो चलो निकालो उनको। फिर बेटी को गाजा बाजा को साथ में लाए और जब मंदिर में अंदर में चली गई ना, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और दरवाजा खोल करके देखते अंदर में कोई है नहीं। फिर राजा ने बड़ी सुंदर राधा रानी बनाई है, इस तरह में फिर राधा जी को उनको पास में रख दी। अगर आप कभी चलोगे ना, आपको हम दर्शन कराएंगे जगन्नाथपुरी में, सब दर्शन कराएंगे, बताओ जगन्नाथपुरी कौन जाएगा, हाथ उठा, सब काम ले चलेंगे, ठीक है ना, आपको सबको पति पत्नी सब मिल करके, अभी से पति को आप थोड़ी सी हैं थोड़ी सी मनाते रहो, जगन्नाथ की रथ यात्रा में ले जाएंगे, जैसे यहाँ पर परसों रथ यात्रा, वहाँ पर जो मूल रथ यात्रा श्री जगन्नाथपुरी में है, हैं जगन्नाथपुरी में वो रथ यात्रा है, आप सबको हम ले जाएंगे और ठाकुर जी का दर्शन कराएंगे। बसी वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश। बोले ओम नैमिषे अनिमिषे क्षेत्रे ऋषयः सौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासक। अभी ये कलयुग आ रहा है, ये कलयुग से डरते हुए सौनकादि ऋषियों ने
श्री ब्रह्मा जी को पास में गए। बोले ये कलयुग से हम बच्चे कैसे? बोले चिंता मत करो, मैं अपना मन से एक चक्र प्रकट करके फेंकूंगा, ये चक्र जहां गिरेगा समझना ये पवित्र स्थान, अगर वहीं पर भजन करोगे ना ये कलयुग का कोई असर नहीं पड़ेगा। वो चक्र जाकर के नैमिषारण्य में गिरा और वो चक्र पूरा पाताल को भेद करके चली गई। अभी भी 24 घंटा वहां से पानी निकलती रहती है, पास में बड़ी सुंदर गंगा नदी पास में बह रही है, बड़ी सुंदर मनोरम स्थान है। वहीं पर सौनकादि ऋषियों ने हजार सालों से यज्ञ कर रहे थे, लेकिन यज्ञ करते करते मन में शांति नहीं मिल रहा था, उनकी हृदय तक भी जल गई। एक दिन भगवत इच्छा से श्री सुत गोस्वामी वहां पर आते हैं। सौनकादि ऋषियों ने सुत गोस्वामी को आसन देकर के बैठाए। बोले हे सुत गोस्वामी, आप गुरु जी की कृपा से जितने वेद पुराण उपनिषद अपने सब कुछ आपने अध्ययन किया है, इसलिए ये घोर कलयुग है। बोले कलयुग का स्थिति क्या है? बोले प्रायण अल्पायुष सभ्य कला भस्मीन जुगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य जुपद्रुता। बोले कलयुग में प्राय करके जो परमायु बहुत कम है। पहले पहले नियम होता था, जैसे द्वापर तृतीया सत्ययुग में जब तक तुम्हारी परमायु खत्म नहीं होगी ना बीच में कोई नहीं मरेगा, परमायु पूरा खत्म होगी जहां तक कोई मरेगा, लेकिन कलयुग में कोई निश्चिंत नहीं, कब ये काल आदर्घ में पकड़ ले कोई बता नहीं सकता। इतना दिन हम जिंदा रहेंगे, किसी समय में भी हमारे प्राण जा सकते हैं। सत्ययुग में 100,000 साल रहते थे, लेकिन जब त्रेता युग आ गया उससे एक शून्य हटा दो 10,000 हो गया, जब द्वापर युग आ गया उससे एक हटा दो उसमें हो गया 1,000 हो गया, जब कलयुग आ गया उसका हटा दो 100 हो गया 100, और घोर कलयुग आएगा ना जब 100 से 1 शून्य हटाओ बताओ तो कितना रहेगा? अरे बोलो 10। जब घोर कलयुग आएगा वर्णना की है, बैगन भी तोड़ नहीं सकते हो, इतने छोटे छोटे हो जाएंगे, क्योंकि हर चीज हाइब्रिड देकर बन रहा है, कोई चीज प्योर आपको मिलेगी नहीं, इसलिए लोग धीरे 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 छोटे होते जाएंगे, धीरे धीरे छोटे होते जाएंगे। और कलयुग में बोले मंदा सुमंद मत हो, कलयुग में लोगों का जो मन है बड़ा मंदा मन है, देखना मन सुबह भजन के लिए बोलो 1,000 बहाना बताएगा, लेकिन कोई सीरियल आए देखना 3-3 घंटा बैठ जाएंगे, सास बहू की लड़ाई और दुनिया की इधर उधर उल्टा पुलटा चीज देखना 3-3 घंटा बैठ कर देखेंगे। बोले थोड़ा माला कर दो, बोले समय क्या है? बोले माला के लिए कोई समय नहीं भजन के लिए, इसलिए बोले मंदा सुमंद मत हो, कलयुग जीव का जो मन बहुत गंदा मन है। फिर झुपद्रुता, बोले झुपद्रुता मतलब क्या? जैसे माताएं कथा सुनने के लिए आती हो, लेकिन 7 दिन बाद में जब कथा सुनेगी इच्छा होगी भैया हम गले में तुलसी कंठी पहने तिलक लगाए भजन करें, अगर पत्नी अगर भजन करने के लिए बोले ना पति बोलेगी कौन सा बाबा की चक्कर में पड़ गई तू, कौन सा बाबा की चक्कर में पड़ गई, अभी दिन भर किता माला लेकर दिन भर डोलते रहते हो, कोई काम धाम नहीं है। अगर पति की अगर रंग चढ़े तो पत्नी क्या बोलेगी, दिन भर घर में बैठे भर काम चलेगा, जब जब गीता भागवत लेकर बैठ जाते हो काम धाम कुछ है ही नहीं। अगर बच्चे अगर भजन करे बोले ये तेरा कोई उम्र है भजन करने की, लेकिन बेटा अगर सिगरेट फूंकता है ना शराब पीता है, वेरी गुड बहुत बढ़िया मेरा बेटा है, शराब पी रहा है ना हुक्का पी रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, सिगरेट फूंक रहा है जुआ खेल रहा है, इसके लिए कोई मना नहीं करेगा, लेकिन थोड़ी सी गले में कंठी माला ले, तेरा कोई उम्र है भजन करने की, मतलब ये कलयुग में इतने उपद्रव है कलयुग में। बोले बताओ जीव का कल्याण कैसे होगी? फिर उन्होंने प्रश्न की, उन्होंने 6 प्रश्न किया है और 6 प्रश्न का जो उत्तर है ना ये पूरी भागवत है, अभी मैं 6 प्रश्न बताऊंगा क्या है, फिर कल सुनूंगा आपसे, ठीक है? बच्चे लोग सब याद करेगा और जो बोलेगा ना उसको मैं इनाम दूंगा, जो ये 6 प्रश्न को जो कल मेरे को बोल देना, जितने बच्चे से जितने बड़े बूढ़े तो याद नहीं रख सकते,
लेकिन बच्चे तो याद कर सकते हो थोड़ी जो लिखी पड़ी। देखो दुनिया की बहुत सारी बात हम नहीं याद करते हैं, लेकिन प्रभु की कथा तो याद करो। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा, हम लोग कोई बोल नहीं रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। और एक बार करके बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हाँ देखो एक बात ध्यान देकर सुनो, कल मैं बता रहा था अगर आपकी कथा सुनने की इच्छा है ना, आप जिसको जानते हो उसको पास में मत बैठा करो, आप जिसको जानते हो उसको पास में मत बैठा करो, फिर आपस आपस में बात करोगे। देखो बच्चों का प्यार में खुजली मचती है, पुरुषों का शरीर में और बड़े बूढ़ों का मुंह में, बिना बोले रह नहीं सकते हैं। घर में बैठते हुए सारा दिन दुनिया की बात करेंगे, लेकिन कथा में भी आकर के ना सारा दुनिया के मुंह में बात है। अगर कथा में देखो, कथा ये कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे बोल रहे थे ना 7 दिन तक, आप सही सही एक मन से नियम से कथा सुनो, जो ये भागवत से मांगोगे ये भागवत 7 दिन में सारे इच्छाओं को पूरी कर देगी। अगर आपने ध्यान देकर कथा सुनो, अगर कथा में बैठ करके दुनिया की बात करके फिर क्या होगा, यही गंदी चीज फिर तुम्हें मिलेगी, उल्टा पुल्टा चीज मिलेगी, फिर भक्ति नहीं मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ बैठ करके जितने बड़े बूढ़ी है ना सब अलग होकर बैठ जाए, सब जितने बड़े बूढ़ी सब अलग होकर एक जगह में कोई मत बैठा करो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, इसलिए सौनका ऋषि ने सुत गोस्वामी को 6 प्रश्न किया। इनका जो पहला प्रश्न है, ये आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। देखो ये करोड़ रुपया के प्रश्न है, देखना संसार में हम जो कुछ करते हैं किसके लिए करते हैं, शांति और सुख के लिए जो कुछ करते हैं। लेकिन तुम्हारे पास में अरब खरब रुपया है, करोड़ों करोड़ों पैसा, लेकिन घर में तुम्हारी शांति नहीं, वो पैसा की कोई महत्व है तुम्हारी, बताओ। घर में बेटा बेटी नाती पोती सारा दुनिया दुकान मौका, लेकिन तुम्हारे घर में शांति नहीं, फिर वो चीज का कोई महत्व है क्या, नहीं। अगर 2 रोटी में अगर तुम्हें शांति मिलती है ना, ये जगत में सबसे अनमोल वस्तु है, इसलिए जगत में अनमोल वस्तु शांति और सुख ही, घर में शांति सुख मिलनी चाहिए। इसलिए इनका पहला प्रश्न, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। देखो इधर करो, जैसे तुम्हारे सामने एक समस्या, हम सोचते हैं भैया एक समस्या दूर हो जाए फिर हमें चैन मिलेगी, लेकिन आप देखना प्रैक्टिकल रूप में एक समस्या दूर हुई नहीं, सामने 2 समस्या है। किसी तरह सोचते भैया 2 समस्या दूर हो जाए घर में शांति मिलेगी, देखना वो 2 समस्या तो गई नहीं, देखना सामने 3 समस्या। जैसे हाथी तल दल में फंस जाती है ना, हम भी संसार के चक्र में ऐसे ही दल दल में संसार के चक्र में फंस जाते हैं। लेकिन हम सुख किसको मानते हैं, हम सुख किसको मानते हैं, देखो ध्यान देकर सुनो, कभी जीवन में सुख आती नहीं, जीवन में कभी शांति नहीं आती है। देखो हम शांति सुख किसको मानते हैं, अगर ये दुख दूर हो जाएगी तो हमें शांति मिलेगी, देखना वो दुख दूर नहीं हुई 2 समस्या 3 समस्या, शायद ये दुख दूर हो जाएगी तो शांति मिलेगी। ऐसे करते 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 देखना जिंदगी चली गई, लेकिन जीवन की समस्या हटी नहीं, जीवन का समस्या गई नहीं, जिंदगी में समस्या 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 फंस जाते हैं। इसलिए इनका पहला प्रश्न है, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, ये पहला प्रश्न। देखो जो दूसरी प्रश्न को साथ में सब प्रश्न जुड़ी हुई, दूसरी प्रश्न है कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या, देखो उसको साथ में जुड़ी हुई। इसका मतलब है अगर जीवन में तुम्हें भगवान अगर नहीं मिले, ये दुनिया की ऐसे कोई संपत्ति नहीं जो हमें शांति सुख दे सकता है। इसलिए इनकी दूसरी प्रश्न है कलयुग में भगवान हमें कैसे मिलेंगे, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं
राम विमुख का भी सुख नहीं पावा, भगवान से विमुख होकर के। लेकिन हमारी क्या धारणा, घर में अगर ज्यादा पैसा हो जाएगी ना, घर में तो शांति सुख आ जाएगा। अगर ज्यादा पैसा से अगर शांति सुख मिलता तो ये रावण को सबसे ज्यादा शांति मिलता। आप लोग रावण का नाम सुने हो? कौन कौन सुने हो? सब जानते हो। आपके पास में कितना सोना होगा? 10 किलो होगा, 5 किलो? नहीं, गुजरों के घर में ज्यादा सोना चांदी होता है, इसलिए कितना, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, इससे तो ज्यादा नहीं होगा ना। लेकिन ये रावण का पूरा लंका पूरा सोना ही सोना, पूरा सोना सोना। लेकिन हम लोग सोचते हैं अगर किसी छोरी से, अच्छी छोरी से शादी हो जाएगी ना, हमें शांति सुख मिलेगी। लेकिन रावण की पत्नी का नाम थी मंदोदरी। मंदोदरी मतलब जानते हो? मंद मतलब होता है पतली, उदर मतलब होता है कमर। जिसकी कमर बहुत ही पतली थी वो विश्वकर्मा की बेटी थी। विश्वकर्मा कौन है? सारे आर्किटेक्ट जो सारे बनाने वाला, उसने सारी अच्छी अच्छी गुण दे करके अपना बेटी को उसने जन्म दी थी। उसी समय वो विश्व सुंदरी थी, इतनी सुंदरी थी उनकी उसकी पत्नी। रावण को जहां से गंधर्वी रंग, जिनको जहां जहां अपसरी सुंदरी सुंदरी मिली, स्वर्ग से मोहलो उसे पकड़ पकड़ करके अपना बीवी बनाया था है? और सोचते हैं बढ़िया छोरा मिल जाएगा तो शांति मिलेगी। इसका बेटा का नाम मेघनाथ। अब रामायण देखे ना, कितने पराक्रमी, जिसने इंद्र को भी उन्होंने हरा दिया, इंद्र को भी उन्होंने परास्त कर दिया। इतने ऐसे बेटा कितने थे, लेकिन तभी उसकी मन में चैन नहीं, उसकी मन में बेचैन सी, उसकी मन में बेचैन सी चैन नहीं। तभी उसने फिर सीता को घर के ले गया, फिर सीता को। लेकिन लंका में केवल एक व्यक्ति लंका में चैन से जी रहा था, और लंका में सबके सब बेचैन से जी रहे थे। बताओ तो लंका में कौन चैन से जी रहा था? बोलो तो जोर से बोला, जोर से बोला। विभीषण चैन से जी रहा था। बोले क्यों? चूंकि वो भगवान की भजन करता था, प्रभु राम की शरण में था, इसलिए वो चैन से जी रहा था। और सारे लंका बेचैन, इसलिए हनुमान जी ने क्या किया, पूरा लंका में जला करके राज बना दिया। लेकिन एक व्यक्ति का घर उसने केवल छोड़ दिया था, किसकी? विभीषण का घर को छोड़ दिया, और सबको उसने जला करके राख बना दिया। हनुमान जी सिखा देते, देखो उसी का ही घर में छोड़ दूंगा जो भगवान की भक्ति, मेरे प्रभु की शरण में जो रहेगा, मेरे प्रभु की शरण में जो रहेगा ना, उसको घर में आग नहीं लगाऊंगा, नहीं तो सबके घर में मैं आग लगा करके जला दूंगा। आग लगाना मतलब क्या है? दुख कष्ट समस्या, तरह तरह का अभाव अनटन, तरह तरह का अशांति उसके घर में मैं भर दूंगा है। अगर प्रभु की शरण में जाओगे ना, तभी जीवन में सुखी रहोगे। इसलिए इनकी दूसरी प्रश्न है, कलयुग में भगवत प्राप्ति की सबसे सरल उपाय क्या है? तीसरा प्रश्न है, हमें भगवान कृष्ण की कथा सुनाओ। चौथा प्रश्न है, केवल कृष्ण कथा नहीं, बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। भगवान कभी राम बन करके आए, रावण को उन्होंने मारे, कभी भगवान बलि बन करके आए, वामन बन करके बलि महाराज को ऊपर कृपा की, भगवान कभी परशुराम रूप में आए, क्षत्रिय को निक्षत्रिय की। इसलिए हमें भगवान की प्यारी प्यारी कथा, भगवान की अवतारों की कथा सुनाओ। उनका जो पंचमा प्रश्न है, हमें कृपा करके भगवान की अद्भुत अद्भुत जस सुनाओ। और छठवां प्रश्न है, जब भगवान इस जगत छोड़ करके चले गए, अभी कलयुग में धर्म कहाँ पर आश्रय लिया? उन्होंने उनको ये 6 प्रश्न की, और ये प्रश्न सुनकर के सुतो गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए। बोले क्यों? बोले ये जितने प्रश्न हैं सब भगवत संबंधी प्रश्न, कोई दुनियादारी की बात नहीं। शिक्षा देते हैं संत कैसे संतुष्ट होते हैं, उनको पास में अगर दुनिया की बात बोलना खुश नहीं होते, क्योंकि संत है ना। संत क्या करते हैं? प्रभु के नाम भजन कीर्तन भजन में वो डूबे रहते हैं। अगर उनको पास में प्रभु की चर्चा करें तो खुश हो जाते हैं।
इसलिए सुतो गोस्वामी की रोम रोम खिली उठा। बोले बाप आपने क्या सुंदर प्रश्न किया, अभी उनके उत्तर में ही केवल हमें हरी चर्चा ही सुनने को मिलेगा। इसलिए मैं पहले अपना गुरु जी की चरण की वंदना करता हूँ, फिर तुम्हारी प्रश्न की मैं उत्तर दूंगा। तो उन्होंने गुरु जी की प्रणाम करते हैं, बोले बंदो गुरु पद पदो मां परागा, बंदो गुरु पद पदो मां परागा, सबसे पहले गुरु जी की चरण की वंदना की। बोले गुरु जी की चरण क्यों वंदना क्यों की, कितना गुरु गोविंद दो खड़े का के लाग पाऊं, बलि हरि श्री गुरु जी जो गोविंद दिए बता। कहते अगर भगवान गुरु जी अगर दोनों खड़े हुए पहले किसकी चरण की पूजा करेंगे, पहले गुरु जी की चरण, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान के चरण को दर्शन कराते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु गुरु भवन दि तरई न कोई जो बिरिचि शंकर सम होई। कहते अगर ब्रह्मा शंकर जी के बराबर हो जाए, अगर जीवन में हमने सदगुरु नहीं अपनाया, कहते जीवन में कल्याण नहीं हो सकती है। देखो इधर सुनो, बोले कि भैया गुरु तो करनी चाहिए, लेकिन एक बात है, बोले गुरु करा जान के और पानी पियो। लेकिन हम क्या चाहते हैं ना, गुरु तो करेंगे, लेकिन ऐसे गुरु होना जो गुरु करके हम प्याज लहसुन भी खा सकते हैं, बीड़ी भी फूंक सकते हैं, सिगरेट भी फूंक सकते हैं, शराब भी पी सकते हैं, मांस मछली भी खा सकते हैं, ऐसे गुरु होना जो हमें किसी चीज की मना नहीं करे। आओ और मंत्र ले लो जाओ, भले तुम मरो कोई दिक्कत नहीं। हम चाहते हैं ऐसे गुरु नहीं। शास्त्र में बताया गुरु वही हो सकते हैं, जैसे आपको कोई बीमारी किसी अच्छे डॉक्टर के पास में गए, अगर सचमुच से वो डॉक्टर तुम्हारी हैं, अच्छे डॉक्टर अगर तुम्हारी बीमारी को सही करना चाहते हैं ना, सबसे पहले परहेज बताएगा। बोले भैया तेरे को तो दवा तो बहुत बढ़िया दे रहा हूँ, अगर परहेज को साथ में अगर दवा लोगे ना क्या होगा, तुम्हारी बीमारी जल्दी जल्दी खत्म होगी। अगर बगैर परहेज के अगर तू दवा लोगे, जिंदगी भर दवा तो खाओगे लेकिन तुम्हारी बीमारी सही नहीं। जो अच्छे वैद्य होगा हैं, और जो अच्छे जो डॉक्टर नहीं होगा, बोले भैया इतना तो मेरे चले बन गए, अरे साल में तो एक बार आएंगे, कुछ ना कुछ तो देंगे, कपड़ा पैसा तो देंगे, भले तुम मर जाओ, भले तुम्हारी कल्याण नहीं हो। आओ देवी मंत्र ले, देवी मंत्र ले ले, हनुमान जी मंत्र, हनुमान जी मंत्र ले ले, दुर्गा की मंत्र ले ले, शिव का मंत्र ले ले, कृष्ण जैसे कि बिजनेस खोला है ना, ऐसे बिजनेस खोल देते। नहीं, जो गुरु मंत्र होता है वो भगवान से आता है। जैसे हम लोग ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय से हम राधा कृष्ण को भक्ति करते हैं, अगर हमें कोई बोले शंकर जी का मंत्र तो हम दे नहीं सकते, क्यों, हमारी जो गुरु परंपरा में कृष्ण मंत्र हमें मिली है, हमारी अधिकार नहीं दूसरे मंत्र देने का। बोले राम मंत्र दे दो, हम दे ही नहीं सकते, क्यों, हमारी गुरु परंपरा से भगवान से होते हुए अभी हमें कृष्ण का मंत्र, राधा कृष्ण की भक्ति हमें मिली, इसके सिवाय हम और किसी मंत्र हम दे नहीं सकते हैं। इसलिए
कहते गुरु जी के अंदर में तीन गुण होनी चाहिए तभी हम गुरु बना सकते हैं, नहीं तो नहीं। देखो ये भागवत में कहते हैं, बोले तस्मात गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासो श्रेय उत्तमं साते परे च निस्नातं ब्रह्म निरुपसमासं। भागवत में बताया, बोले अगर ये भवसागर से पार होना चाहते हो क्या करो, गुरु जी की चरण में जाओ। लेकिन गुरु जी में लक्षण, बोले तीन लक्षण हो। पहला लक्षण है सारे शास्त्र को जाननी चाहिए। क्यों? अगर सारे शास्त्र अध्ययन नहीं किए होंगे, अगर हमारे मन में कोई प्रश्न हो फिर वो प्रश्न का उत्तर ही नहीं दे सकते हैं। अगर इनका नाम गुरु, गुरु मतलब क्या है, बोले गुकार अंधकार रुकार तस्य निरधक। गु मतलब होता है अंधकार और रू मतलब होता है आलोक। हमारे हृदय की अज्ञान रूपी अंधकार को हटा करके दिव्य आलोक जो संचार करते, गु रू मतलब आलोक दे है। इसलिए पहला गुण क्या है, सारे शास्त्र जाननी चाहिए। कभी यही क्या संकोच, बोले नहीं, बड़े बड़े पंडित भी बड़े बड़े शास्त्र पढ़ रखे, ये मूल लक्षण नहीं। उसका जो असली लक्षण है भजन परायण होनी चाहिए। ऐसे नहीं केवल दूसरों को उपदेश देते हैं, अपना भजन साधन से कोई मतलब नहीं, भक्ति भक्ति से कोई मतलब ही नहीं, हल दूसरों। और जो तीसरी है, ये सांसारिक माया मोह में नहीं होनी चाहिए। हम क्यों गुरु करते हैं, संसार की माया मोह से उत्तीर्ण होने के लिए है ना। अगर हम जितने माया में हो, गुरु जी अगर उसी माया में गुरु जी पड़े हुए, अपना बीवी बच्चे दुनियादारी में गुरु ही पड़े हुए, भैया तुम्हें क्या निकालेगा। जैसे कुएं में दोने पड़े हुए हो, दोने तो कुएं में पड़े हुए, कौन किसको निकलेगा निकालेगा। अगर कुएं को ऊपर में अगर कोई हो, अगर वो रस्सी फेंके फिर हम उसको निकाल सकते, नहीं तो नहीं निकाल सकते। क्यों? दोना हमारे भी बीवी गुरु जी का भी बीवी, हम भी बेटा गुरु जी को भी बेटा, हमारे भी दुनिया गुरु जी का भी दुनिया, फिर हमें क्या तुम निकालोगे, तुम तो उसी माया में पड़े हुए। इसलिए बोले भैया गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। इसलिए उन्होंने सबसे पहले उन्होंने श्री गुरु जी की चरण वंदना की। कहते मेरे गुरु जी कौन, बोले साधारण नहीं, श्री सुखदेव गोस्वामी, जो मातृगर्भ में 16 साल तक रहे, जो निकलना नहीं चाह रहे थे। पिताजी ने पूछा भैया क्यों मैया को इतना कष्ट दे रहे हो, भैया निकल करके आओ। बोले नहीं, बोले क्यों, बोले संसार में आते ही जी भगवान भूल जाता है, और मातृगर्भ में टाटी पेशाब खून पीत खाली भी रहता है, बड़ा दुख कष्ट भोग करता है। हजार हजार जन्म की बात याद आता, मैंने पूर्व जन्म में कितने कुकर्म किया है, लेकिन भगवान से कसम खाता प्रभु एक बार केवल मातृगर्भ से निकाल दो, उठते बैठते सोते में तेरा नाम लूंगा, तेरा ही भक्ति करूंगा। लेकिन संसार में आकर के सब भूल जाता है। इसलिए कहते प्रभु ये माया में मैं आना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि संसार में आने पर तेरे को सब भूल जाते हैं। भगवान कहते हैं सही बोलते हो भजन करोगे, बोले हाँ मैं सही बोलता हूँ कसम खाता हूँ। बोले भूल जाओगे तो, बोले फिर, बोले मैं बीच बीच में तुमको वार्निंग भी दूंगा। बोले क्या दोगे, बोले पहले जब ये बाल पक जाए ना, ये मेरे फर्स्ट वार्निंग ये है। भैया बाल पकना मतलब क्या है, तुम्हारी संसार परमायु खत्म हो रहा है, ऊपर जाने का समय आ गया। लेकिन एक बाल पक जाए ना, हम क्या करते हैं, बाल को उखाड़ देते हैं। अगर दूसरे बाल पक जाए, दूसरे बाल को उखाड़ देते हैं, तीसरा बाल, तीसरे अगर खिचड़ी बन जाए फिर कलर कर देते हैं, कलर कर देते हैं। बोले थोड़ी आप बूढ़ा बूढ़ी हुई, अभी हमारा कुछ भी नहीं हुआ। भगवान कहते फिर दूसरा वार्निंग देता हूँ। बोले दूसरा वार्निंग क्या देते हो, बोले आंखों में कमजोरी आ जाती है, फिर बढ़िया चश्मा लगा लेते हैं। बोले तीसरे वार्निंग देता हूँ, बोले क्या देते हो, बोले एक एक दांत तो टूटना शुरू होता है, एक एक दांत टूटना शुरू होता है, फिर हम डेंटिस्ट के पास में फिर दांत लगा कर खिलखिला कर हंसते हैं। भगवान कहते चौथा वार्निंग दूंगा, बोले क्या, बोले दो पैर से तीन पैर हो जाएगा, मतलब क्या, डंडा लेना शुरू कर दो, फिर डंडा लेना शुरू कर दोगे। लेकिन फिर ठीक भी वार्निंग नहीं, फिर क्या करता हूँ, राम नाम सत्य है। इसलिए यहाँ पर कहते भैया समय रहते रहते भगवान की भजन कर लो,
समय रहते रहते भगवान की भजन कर लो, क्योंकि निश्वास में कोई विश्वास नहीं। कब ये निश्वास बंद हो जाएगी है, कब ये निश्वास हमारी बंद हो जाएगी? एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार आप लोग बोलो, फिर मैं सुनूंगा। हरे कृष्णा, जोर से कितने जोर से बोल सकते हो? हमारे बड़े गुरुजी कहते थे जैसे एक पत्थर उठा करके पानी में फेंको, उसमें क्या होगा, फिर उसमें लहरी आएगी, फिर दो बार लहरी आए, फिर तीन बार लहरी आएगी है। जब हम भगवान के नाम लेते हैं, ये भगवान की जो नाम है ना, कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि। जब इतनी सारे भक्त एक बार प्रभु का नाम लोगे, मानिए यहाँ पर 5 से 6 से भक्त बैठे हुए हो, जब भगवान के नाम लोगे, इसका जो लहरी, इसका जो शब्द जितने दूर तक जाएगी, उतना दूर तक जितने दुख कष्ट क्लेश को सबके सभी समाप्त कर देगी है। इसलिए भगवान के नाम जोर जोर से ठाकुर का नाम को लेनी चाहिए। अभी प्रभु जी एक सुंदर आप भजन सुनाएंगे, फिर हम प्रश्न की उत्तर सुनेंगे, ठीक है? बोलो वृंदावन बिहारी नाम की जय जय श्री राधे की। गोपियों की जगत में सिद्धि की उन्नति तिन के पदों का नंदन करे कृष्ण से कि वृंदावन में पड़े रहो देख बिहारी के रूप ताश बराबर को बने जो सब भूपन के हो जय जय लाल चंद्र मदन सुख सदन भाव तो आइए बोलो बोलो बिहारी नाम की। अच्छा बिहारी जी का दर्शन किसी किसी ने किया? बस इधर बहुत लोगों ने किया, वृंदावन में बाके बिहारी जी का दर्शन किस किस ने किया, हाथ उठा के बताए। अच्छा सब लोग किया, तो देखिए जो लोग बाके बिहारी आप लोग देखे होंगे कि 2 मिनट अंतर अंतर पर्दा लग जाता है, लगता है कि नहीं? देखा है ना, क्यों लगता है बताए? हाँ थोड़ा थोड़ा हुआ तो ऐसा है, हमारे बांके बिहारी जी इसलिए पर्दा लगता है, हमारे बांके बिहारी जी इतने सुंदर है, बांके बिहारी की देख छटा और मेरो मन है गयो लटा पटा। लेकिन आप लोगों का किस किस का लटा पटा होता है अभी मैं देख रहा हूँ। अरे बांके बिहारी की देख छटा Hey, 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 hey
अच्छा देखो आपके इस घड़ी में कब से कथा है ये मुझे नहीं पता था, लेकिन सुना कि बहुत वर्षों से होकर चली आ रही है ये कथा। लेकिन लटापटा बहुत कम लोगों का मन हुआ, कोई सोच रहा है कि कैसे नाचू। देखो ये नाचना, ताली बजाना, भगवान के लिए माला बनाना, ये सब भक्ति का अंग है। महाराज जी बता रहे, मैं नहीं बता रहा, इसलिए कीर्तन में नाचने का बहुत फायदा है, बहुत फायदा। इसलिए आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, एक बार सभी खड़े होके भगवान के नाम पे नृत्य करेंगे। सभी लोग एक बार खड़े हो जाए जिस भजन में आते Oh,
से देखो उसके भी हरि किस किस को मिलते हैं, किस किस को मिलते हैं। हाँ, जिसने राधे राधे करता है इसलिए सभी लोग थोड़ी देर में राधे राधे रखेंगे। और पीछे से वैसे क्या है सभी को हाथ लगाए बिहारी उसी को मिलेंगे जो राधे राधे रहता है ना। बिना राधा है कन्हैया जो है वो आधा है, इसलिए सभी लोग सभी लोग जोर से बोलेंगे सब लोग बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। सब किसे बैठ गया।